बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम दोस्तों, मैं वसीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वसीम अल्ताफ। तो कैसे हैं सब? मेरे के साथ दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आज का जो मुकाबला है यह है बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मुकाबला, एक ज़बरदस्त और बेहतरीन अंदाज के साथ। यहाँ पर दो कबूतरबाज आज के मुकाबले पर हैं मद्दे मुकाबल। तो एक तो हो जाएगा उस्ताद नादिर सिकानी, वाह मुकाबल हो जाएगा खालिक कुत्तानी। बड़ा अच्छा मुकाबला है, बेहतरीन मुकाबला एक ज़बरदस्त अंदाज के साथ शुरू है। देखते हैं किसको मौका मिलता है इस बार कबूतर ज़्यादा पकड़ने का, क्योंकि कबूतर दोनों पार्टियों के अच्छे हैं। तो लेकिन आज जो पकड़ है ना वो सोच से भी ज़्यादा होगी। एक बेहतरीन मुकाबले की शुरुआत ज़बरदस्त और बेहतरीन अंदाज के साथ, एक अच्छा और नयाब मुकाबला आज का। तो आज पहला दिन है इनके मुकाबले का, कल झूठी जगह होंगी। तो आपने वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल वसीम अल्ताफ को भी लाजम सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पर जो कबूतर है ना दोनों पार्टियों के अच्छे हैं, बेहतरीन है, ज़बरदस्त हैं। बाकायदा देखिए आप, तो मुकाबला भी काफ़ी ज़्यादा शानदार और ज़बरदस्त और बेहतरीन रहेगा। और दोनों पार्टियों को देखा जाए ना, आज तो जोश है बड़ा ही कबूतरबाजी का। देखें
Naga, naga, ada. Tiga,
ਛੱਤ ਦਾ ਸੱਟ ਛੱਤ Hey, 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 hey
अरे उधर का छोड़ दे तो झाल तो आज का मुकाबला काफ़ी ऐसा शानदार मुकाबला था, एक ज़बरदस्त और बेहतरीन अंदाज के साथ ही हुआ। अगर आज के मुकाबले की बात की जाए तो आज मुकाबला दोनों पार्टियों के लिए अच्छे अंदाज के साथ हुआ। आज उस्ताद ऐसा समझें खालिक उतानी ने पकड़े थे कोई 25 के करीब कबूतर, टोटल तकरीबन 30 कबूतर पकड़े थे, और उस्ताद नादर ने पकड़े थे 48 कबूतर, मतलब 18 कबूतर ऐसा समझें। अगर टोटल की बात की जाए जो कबूतर छोड़ते रहे उनका अगर कट की बात की जाए तो तकरीबन कोई 12 या 13 कबूतर उस्ताद नादर जीत रहा होगा आज, या मैक्सिमम होंगे कोई हाँ कोई 42 होंगे, फिर 42 और मतलब ऐसा समझें 25, तो 17 कबूतर फिर से उस्ताद नादर तकरीबन को जीत रहा है आज। तो मुकाबला काफ़ी ज़्यादा शानदार था, एक ज़बरदस्त था बेहतरीन अंदाज के साथ आज का मुकाबला उस्ताद नादर सिकानी की पार्टी जीती है, वो भी ऐसा समझें उस्ताद खालिक से। कल इनकी जूठी जगह होंगे, कल देखते हैं क्या ही बनता है। इनका जो मुकाबला होता है ना वो होता है तकरीबन कोई 1 घंटे का या 1 घंटे से भी ऊपर, 1 घंटे 10 मिनट का। तो मैंने मुकाबला तकरीबन कोई 35 मिनट का बतन बनाया था, क्योंकि इसके बाद जो ना छोटी वीडियो बनानी पड़ती है ना, तो इसी बिना पर मैंने सोचा ये जो मुकाबला है फिर आपको एक अच्छे अंदाज के साथ ही दिखाया जाए। तो एक अच्छे मुकाबले की शुरुआत ही ज़बरदस्त बेहतरीन अंदाज के साथ देखें तो आज का मैदान उस्ताद नादर सिकानी ने ही खालिक उतानी से जीता है। Oh,
ਕਰ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹਾਲ ਪਚਾਵਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾ ਸਾਰੇ ਮੀਦਾ ਉਛਾਲ ਮੀਦਾ ਜੰਤੀ ਉਛਾਲ ਚੋਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੁਲੀ ਲੱਤਾਂ ਵਧੇ ਮੈਂ।